गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास सेवन्थ में इंग्लिश का फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस तीन प्रश्न, जिसमें हमने ट्रांसलेशन पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें आज तक हमने पढ़ा कि किसी राजा के दिमाग में एक दिन विचार आया कि वो अगर तीन चीज़ें जान ले तो वो अपने जीवन में कभी जो है वो असफल नहीं होगा। और वो चीज़ें उसने बताई थी, एक तो पहली चीज़ जो उसने बताई थी वो थी, जो कि उसका पहला प्रश्न कह सकते हो, वो था कि किसी भी कार्य को करने का सही टाइम जो है वो समय जो है वो कौन सा है, किसी कार्य को कब किया जाए ताकि वो सफल हो असफल ना हो। दूसरा उसका प्रश्न था वो था कि किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों की बातें जो है वो उसको माननी चाहिए, कौन से व्यक्ति कहने का मतलब जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये उसका दूसरा प्रश्न था। तीसरा और अंतिम प्रश्न उसका जो था वो था कि कौन से कार्य जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीन चीज़ें, तीन प्रश्न जो है, अगर इनका उत्तर उसको मिल जाए, ये वो जान ले, इन तीन प्रश्नों के उत्तर वो जान ले, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। फिर उसने क्या किया, इस बात की घोषणा की, उसने अपने संदेशवाहकों को बुलाया और संदेशवाहकों को बुला करके उसने कहा कि आप जो है लोगों के पास ये प्रश्न लेकर के पूरे राज्य में जाओ और उनको कहो कि इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई भी व्यक्ति बताएगा उसको विशाल जो है वो धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। तो संदेशवाहक पूरे राज्य में फैल गए, लोगों को उन्होंने बताया राजा की घोषणा के बारे में, तो कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में आए और उन तीन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति वहां आए, सभी के प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न थे, सभी के उत्तर एक नहीं थे, सभी का मत जो है वो प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग था। तो फिर जो है वो उन तीन प्रश्नों के उत्तर जब विभिन्न विद्वानों ने दे दिए, उसके बाद राजा ने क्या किया, क्या राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट हुआ? हुआ तो किस उत्तर से संतुष्ट हुआ, और नहीं हुआ तो फिर उसने क्या किया, इस बात को जानने के लिए आगे मैं आज आपके सामने इससे आगे वाला पैराग्राफ जो है वो लेकर के आया हूँ, बोर्ड पर मैंने लिख दिया है और आपके पास में अगर किताब हो तो किताब में लिखा हुआ है। सेंटेंस टू सेंटेंस मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, स्टोरी की कड़ियों को जोड़ते हुए व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखेंगे, वीडियो लेक्चर को दोनों को मिला करके, तो बढ़िया तरीके से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैंने कलवाड़ी स्टोरी से इसको जोड़ दिया है, कलवाड़ी कड़ी से, तो ताकि जो है ये जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहानी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मनोरंजक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है, आसानी से समझ में आने वाली कहानी है। तो देखो राजा ने क्या किया, उनके तीन प्रश्नों के विभिन्न उत्तर जब उन्होंने दिए तो सुनने के बाद राजा की क्या प्रतिक्रिया रही, देखिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, सीधी सी बात है कि उसके प्रश्नों के उत्तर जो थे, आंसर्स यानी उत्तर,
टू हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों के वर सो डिफरेंट, भिन्न भिन्न थे उसके प्रश्नों के उत्तर, तीनों प्रश्नों के उत्तर एक नहीं थे, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए थे, मैंने बता दिया पहले ही आपको। उसके बाद द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, सीधी सी बात है, राजा उसके उत्तरों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड मैंने लिखवा दिया तुम्हें, डिफिकल्ट वर्ड जब करवाए थे उसमें सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट होना मैंने लिखाया था, तो संतुष्ट राजा उसके उत्तरों से नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड गेव का मतलब मैंने लिखवाया था दिया, नो रिवार्ड नहीं, रिवार्ड यानी पुरस्कार, और पुरस्कार नहीं दिया। अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो पुरस्कार फिर किस बात का देगा, तो ना तो उसने किसी को पुरस्कार दिया और ना उनके उत्तरों से वो राजा जो है वो सहमत हुआ, ठीक है, समझ गए यहां तक। उसके बाद देखिए इंस्टिट्यूट, संतुष्ट होने के बजाय, संतुष्ट होने के बजाय इंस्टिट्यूट बजाय मैंने लिखवाया था, ही डिसाइडेड तय किया ही डिसाइडेड उसने तय किया टू सीक, सीक का मतलब तलाश करना या ढूंढना, क्या द एडवाइस ऑफ द सर्टन हर्मिट, किसी सन्यासी, हर्मिट का मतलब होता साधु सन्यासी, ठीक है, तो उसने क्या तय किया, किसी सन्यासी की सलाह को तलाशने का निश्चय किया, किसी सन्यासी को तलाश करके उसकी सलाह ली जाए, सीधी सी बात है, किसी सन्यासी को तलाश करके उसकी सलाह ली जाए इन प्रश्नों के लिए, ठीक है, ये हो गया। Who was widely known, और सन्यासी कौन, कैसा सन्यासी जो कि दूर दूर तक जाना जाता था, widely यानी दूर दूर तक, known यानी जाना जाता था, कहने का मतलब प्रसिद्ध था, लोग उस नाम से उसको जानते थे, इस नाम का सन्यासी बहुत नामी है, बहुत जानकार है, बहुत ज्ञानी है, तो ऐसे सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया जो कि बहुत दूर दूर तक जाना जाता था, किसलिए जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमता, तो अपनी बुद्धिमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, ऐसे किसी हर्मिट की सन्यासी की सलाह लेने का नीचे उस राजा ने किया, ठीक है। फिर देखिए जिस हर्मिट की तलाश राजा को थी, जिस प्रकार के हर्मिट की, तो वो हर्मिट जो है द हर्मिट लिव्ड, रहता था इन ए वुड, वुड का मैंने लिखवाया था, लकड़ी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखवाया था वुड का जंगल, तो जैसा राजा को चाहिए था ऐसा सन्यासी जो है वो एक जंगल में रहता था, कहाँ रहता था, एक जंगल में, बीच ही नेवर लेफ्ट, और वो उस जंगल से बाहर नहीं आता था, उस जंगल को वो छोड़ता नहीं था, जंगल से बाहर वो सन्यासी नहीं जाता था। ही सा उसने देखा, नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कभी जो है वो दूसरे लोगों से वो नहीं मिला, सा का मतलब यहां मिलना है, वो कभी भी दूसरे वीआईपी लोग जो है, मंत्री लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, बड़े लोग जो है उनसे वो नहीं मिलता था, वो केवल किनसे मिलता था, उसकी क्या आदत थी, सिंपल पीपल से मिलना, सिंपल यानी साधारण या आम, और पीपल यानी लोग, साधारण लोगों से वो मिलता था, वीआईपी लोगों से वो नहीं मिलता था, ठीक है। एंड सो द किंग पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन का मतलब धारण करना या पहनना, तो राजा ने क्या किया,
साधारण, कॉर्ड इंद्री का मतलब साधारण, क्लोथ्स यानी कपड़े, तो राजा ने साधारण कपड़े पहने। कैसे कपड़े पहने? साधारण कपड़े पहने। क्यों पहने? अगर आप समझ गए होंगे तो राजा ने साधारण कपड़े इसलिए पहने क्योंकि वो जो है सन्यासी जो है आम लोगों से मिलता था, दूसरों से नहीं मिलता था। अगर राजा राजा के जैसे कपड़े पहन के जाएगा तो वो सन्यासी उनसे बात नहीं करेगा और न मिलेगा। इसलिए राजा ने क्या किया? साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड, बिफोर यानी पहले, रीच्ड यानी पहुंचने के, द हर्मिट्स हट, हर्मिट की कुटिया पर, हट यानी कुटिया, हर्मिट की कुटिया पर पहुंचने से पहले, हर्मिट की कुटिया से काफी दूर रहे होंगे, तो उसने क्या किया? द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है? अंगरक्षक, राजा के जो रक्षक रक्षा करने वाले सैनिक जो साथ में होते हैं उनके पास राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि घोड़े पर बैठ के जाएगा तो वही बात है, वो आम नागरिक उसको मानेगा नहीं और वो उनसे मिलेगा नहीं, इसलिए घोड़े को भी अपने अंग रक्षकों के साथ में उस हर्मिट की, उस सन्यासी की कुटिया से थोड़ा पहले छोड़ दिया, घोड़े को भी वहां छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, वेंट ऑन यानी गया, कैसे? अलोन यानी अकेला, अकेला साधारण कपड़े पहने हुए पैदल जो है वो वहां से उस हर्मिट की कुटिया पर गया। ठीक है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा जो है सन्यासी के उस कुटिया के नजदीक आया, ही सा उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग, डी आई जी डिग का खोजना होता है, और डिगिंग क्या मतलब होता है? खोद रहा। तो उस राजा ने जब वहां गया कुटिया में तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो खोद रहा था द ग्राउंड, जमीन को खोद रहा था। कहां जमीन को खोद रहा था? इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने, किसके सामने? ही हट, उसकी कुटिया, उसकी कुटिया के सामने वो हर्मिट जो है सन्यासी जो है वो जमीन खोद रहा था। ऐसा राजा ने जब वहां पहुंचा तो देख, ही ग्रीटेड, ग्रीट का मैंने बताया था अभिवादन करना, और ग्रीटेड यानी अभिवादन किया, नमस्कार किया उसको, ग्रीटेड द किंग, किसने? सन्यासी ने राजा को अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगी, और कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू से कंटिन्यू, जारी रखा क्या? जमीन को खोदना, डिगी। द हर्मिट वाज ओल्ड, हर्मिट कैसा था? बूढ़ा व्यक्ति था। एंड वीक, दुर्बल था, कमजोर था, वीक का मतलब कमजोर, डब्ल्यू ई ए के मैंने बताया था। एंड एज वर्कड, और जैसे वो कार्य करता था, जैसे कार्य कर रहा था, ही ब्रीथ हेवीली, तो वो मुश्किल से सांस ले रहा था, कि बूढ़ा था, कमजोर था, तो कठिन परिश्रम कर रहा था, जमीन खोद रहा था, तो सांस जो है वो मुश्किल से खींच करके ले रहा था। ठीक है, तो ये स्थिति जो थी उस राजा के वहां जाने पर हुई। तो क्या बता अपन ने देखा, एक बार इसका पूरा सारांश मैं और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, जब राजा उन विद्वान जो उसके दरबार में आए थे उन विद्वानों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने विभिन्न उत्तर दिए तो राजा को वे पसंद नहीं आए, वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर राजा ने क्या किया? राजा ने न तो उनको किसी को पुरस्कार दिया, और उसने तय किया, निश्चय किया राजा ने कि अब मुझे जो है वो किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर पूछने चाहिए, जो कि बहुत दूर दूर तक जाना जाता हो, और जिस प्रकार के
सन्यासी की, ज्ञानी व्यक्ति की राजा को तलाश थी। वो एक जंगल में रहता था और उस सन्यासी की आदत थी कि वो आम लोगों से मिलता था, खास लोगों से वो नहीं मिलता था। इसलिए राजा ने क्या किया, राजा ने कपड़े साधारण पहने और जब घोड़ा लेकर के अंगरक्षक सेवकों के साथ वो जंगल में गया तो उसकी सन्यासी की कुटिया के दूर थोड़ा पहले उसने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक जो थे उनके पास में छोड़ दिया और वहाँ से वो राजा जो है वो पैदल उस सन्यासी की कुटिया पर गया। और जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो उसके कुटिया के सामने जमीन खोद रहा था। उसने उसके वहाँ राजा के वहाँ जाते ही उसने गड्ढा खोदते हुए राजा का अभिवादन किया और अपना काम जो है वो गड्ढा खोदने का वो जारी रखा। हर्मिट जो था वो दुबला पतला था और बुढ़ा था और काम करते हुए वो सांस भी मुश्किल से ले रहा था। तो ये स्थिति यहाँ तक जो है वो आपका ट्रांसलेशन हुआ, ध्यान रखें। और किताब में जो है मैं उनको निशान करते हैं, आज कहाँ तक जो है मैं अनुवाद किया है, इसके आगे कल करवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कहानी स्टोरी बढ़िया तरीके से जो आपके समझ में आए, कल और आज जो पढ़ाया है मेरा मानना ये है कि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है और सेंटेंस टू सेंटेंस मेरा प्रयास रहता है कि मैं अनुवाद करवाऊँ, प्रत्येक शब्द का जो है वो मैं आपको और बढ़िया तरीके से बताऊँ, जिससे कि आपके अच्छी तरह से जो है वो ये कहानी हो सके, आप इसकी विषय वस्तु को समझ सके। आप भी थोड़ा प्रयास करें इस वीडियो को बढ़िया तरीके से एकांत में शांत मन से जो है वो सुने। आपको मेरा मानना है कि 100% जो है वो समझ में आएगा। तो आज इतना ही, कल जो है इससे आगे वाले जो पैराग्राफ जो है उसका ट्रांसलेशन लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।